ऑडियन सेगमेंट है मेरा डॉक्टर्स, आप लोग सब लोग डॉक्टर्स गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग स्माइल अमंग ह्यूमैनिटीज एंड दूसरी चीज मैं एक और बहुत लाइक करता हूँ डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर कैन नॉट बी एवरीवेयर बट गॉड सेंड्स हिम टू सर्व द ह्यूमैनिटी सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम कुछ फैक्ट्स जो है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वी विल टॉक अबाउट इक्विटी मार्केट शेयर मार्केट फैक्ट्स में मैं आपको इस साथ में एक शेयर करना चाहूँगा पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें स्पेशली एडवांस कंट्रीज लाइक यूएसए यूरोपियन कंट्रीज उसमें एवरी सेकेंड पर्सन इज इन्वॉल्व इन मार्केट एवरी सेकेंड पर्सन 43-45% लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटीज में मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर हम इंडिया की बात करें वहाँ तो इंडिया में एट प्रेजेंट 10 में से एक बंदा अभी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है अगर फ्यू ईयर्स बैक अगर देखें तो 30 में से एक पर्सन इन्वेस्ट करता था इक्विटी इट इज ग्रोइंग डे बाई डे दिन पर दिन अवेयरनेस इक्विटीज की बढ़ती जा रही है और लोगों की इन्वेस्टमेंट इसमें डे बाई डे बढ़ रहा है तो इसी मुद्दे को आगे ले जाते हुए मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहूँगा माई सेल्फ राजेश गुप्ता आई एम वर्किंग एज ए ब्रांच मैनेजर इन रोपर सो आज मेरा सौभाग्य है कि भी आप लोगों को मैं एड्रेस कर रहा हूँ आप लोग जैसी सेलिब्रिटीज़ को मैं एड्रेस कर रहा हूँ ये अपने आप में मैं गर्व महसूस करता हूँ सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रेजेंटेशन इट्स एन इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम तो यहाँ पर हम अपनी वेल्थ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं कैसे सिक्योर कर सकते हैं कैसे बढ़ा सकते हैं वो सीखेंगे इक्विटी एज स्लाइड मेंशन इट्स ए लॉन्ग टर्म होराइजन टू क्रिएट द वेल्थ इस चीज को हमें ध्यान रखना है एंड नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की बात करें इंडिया की इकोनॉमी में अगर लास्ट 40 इयर्स की बात करते हैं तो हमारा जो जीडीपी है दैट हैज ग्रोन ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स 40 सालों में 3.5 गुना बढ़ चुका हमारा एंड इंडिया यू नो इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ग्रोइंग एट द कंसिडरेबल पेस इंडिया आप ये लोग विश्वास करते हैं कि भी इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी राइट नाउ यस नेक्स्ट अब हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि भी इंडियन स्टॉक मार्केट में को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो निफ्टी सेंसेक्स नाम सुने होंगे आपने निफ्टी क्या होता है सेंसेक्स क्या होता है निफ्टी मींस जो हमारे लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें जो टॉप की 50 कंपनीज का जो के हिसाब से जो मार्केट बढ़ती है जो टॉप 50 कंपनीज को कंसिडर करके निफ्टी बनाया गया और टॉप 30 कंपनीज से हमें सेंसेक्स बनता है ठीक है ना अब सेंसेक्स 100 पॉइंट से 71,000 पे कैसे पहुंच गया और निफ्टी 1000 पॉइंट से 21,000 पे कैसे पहुंच गया व्हाई इट इज ग्रोइंग ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में अपने इसके पीछे रीजन क्या है इसके पीछे रीजन है राइजिंग पॉपुलेशन राइजिंग इनकम हमारी पॉपुलेशन राइज हो रही है डे बाय डे हमारी इनकम भी बढ़ रही है और उसके साथ साथ जैसे इनकम बढ़ती है राइजिंग डिमांड्स फॉर द गुड्स गुड्स की डिमांड बढ़ती है गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी प्रोडक्शन बढ़ेगा उस प्रोडक्शन बढ़ेगा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगी सेल्स बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा अब प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या शेयर प्राइस बढ़ेगा अगर शेयर प्राइस बढ़ेगा
तो निफ्टी ग्रो करेगा, सेंसेक्स ग्रो करेगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी. सो ये रीजन है, बेसिक फंडामेंटल रीजन है कि भी हमारी मार्केट क्यों ग्रो करती है. निफ्टी क्यों ग्रो कर रहा है, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है. सेंसेक्स क्यों ग्रो कर रहा है, स्टॉक मार्केट कंसिस्टेंटली ये फंडामेंटल रीजन की वजह से ग्रो करता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अगर हम मार्केट ग्रोथ के और भी जो फंडामेंटल रीजन है, ये जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, अब ये देखिए, इंडिया के जो पॉपुलेशन है 1979 में 68 थी, 21 में 142 करोड़ हो गई है, और प्रोजेक्टेड 2050 में इट विल बी मोर देन 180 करोड़. जीडीपी की बात करें, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है. हाउस होल्ड इनकम देखिए कितना स्पीड से बढ़ रही है, कहां 79 में 712 रुपए थी सिर्फ, अभी 1.5 लाख हो गया, और प्रोजेक्टेड 4 लाख रुपए. एवरेज पॉवर्टी लाइन इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एब्सोल्यूट जो पॉवर्टी लाइन से ऊपर जो है वो भी देखिए रेशियो बढ़ रहा है. की सेक्टर जो हमारा पहले इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होता था, डे बाय डे अभी शिफ्ट हो रहा है, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन अपनी मार्केट इंक्रीज कर रही है. एंड जहां तक हम अपना रेवेन्यू की बात करें, तो रेवेन्यू भी डे बाय डे देखिए कितना बढ़ रहा है, कहां 9000 होता था अब 14 लाख करोड़ रुपीज हो गया. सो दीज आर द फंडामेंटल रीजंस व्हाई आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, और क्यों हमें मार्केट में आना चाहिए. दीज आर द फंडामेंटल रीजंस. अगर हम डेमोग्राफी की बात करें, हमारे इकोनॉमी की बात करें, आप यहां पर देखेंगे 1960s में 81% लोग डिपेंडेंट होते थे. मतलब कहने का मकसद क्या है, सिर्फ 29% लोग अर्निंग थे, उनके ऊपर डिपेंडेंट कितने थे, 81% लोग डिपेंडेंट थे. लेकिन अब ये रेशियो जो है 50% लोग काम कर रहे हैं, 50% डिपेंडेंट है. और ये जो है आगे आने वाले तकरीबन आप देखेंगे इंडिया की जब बात करें तो 37 इयर्स तक ये रहना रेशियो, 37 इयर्स तक हमारी मार्केट इसी तरीके से चलनी है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये हमें विश्वास रखना पड़ेगा, वी हैव टू बिलीव कि भी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी पे हमें विश्वास रखना पड़ेगा. कई बार ऐसे आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़पेपर्स में, हम देखते हैं आर्टिकल्स, सेंसेक्स कैन हिट 1 लाख रुपीस, और पास में ऐसे आर्टिकल सच्चे भी हुए. ये आर्टिकल्स हमें ये बताते हैं, हम अगर हम अपनी इकोनॉमी पे विश्वास रखते हैं तभी तो कहां फ्यू इयर्स पहले 30 में से सिर्फ एक बंदा जो है इन्वेस्ट करता था, 10 में से एक बंदा इन्वेस्ट करता, मतलब 10 के पीछे एक बंदा इन्वेस्टमेंट, 10% लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए इक्विटीज में. अगर हम सेंसेक्स की बात करें, अब देखिए सेंसेक्स जो है 71,000, किसी ने सोचा भी नहीं था कि 71,000 पे सेंसेक्स पहुंच जाएगा. मेरे देखते देखते मेरे को SBI लाइफ में तकरीबन 13 साल हो, 13 years back हमारे एक इक्विटी फंड की नैब होती थी, इक्विटी फंड जो होता है उसकी नैब थी 35 rupees. एट दैट टाइम आई वॉज इन अमृतसर, मैं देखता था 35 rupees की नैब है यार, कितना ऊपर जाए. आज की डेट में सेंसेक्स बढ़ गया, नैब भी 175 rupees पहुंच गई 13 सालों में. ये मेरे देखते देखते 13 सालों में कितना जंप कर गया सेंसेक्स. देखिए approximately 22% की रिटर्न दे रहा है, 22%. It's amazing. Next. Now we will discuss how we can create the wealth. Through our SBI Life, आपकी वेल्थ को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं थ्रू अ वेरी वंडरफुल वेरी स्मार्ट प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड स्मार्ट प्रिविलेज. इसको आप थोड़ा सा ध्यान से दिखेगा देखिएगा, अगर आपने इसको सही ढंग से समझ लिया, आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो इनकम है, कई गुना हम बढ़ा सकते हैं. इनकम बढ़ाने का दो तरीका है, या तो हम ज्यादा मेहनत करें, 8 घंटे की जगह 18 घंटे काम करें, या फिर स्मार्टली अपने पैसे को इन्वेस्ट करें सो दैट हमें 8 की जगह 18 घंटे
काम करने की जरूरत ना पड़े। मानते हैं आप 8 घंटे मेहनत करना चाहेंगे या 18 घंटे मेहनत करना चाहेंगे सेम रिटर्न लेने के लिए? 8 घंटे मेहनत कर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि भी आपको 8 घंटे में कैसे रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये देखिए, अब स्मार्ट प्रिविलेज हमारा प्रोडक्ट है। इसमें एक फंड लॉन्च हुआ था जिसका नाम है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड 2016 का फंड है, SBI Life का वन ऑफ द बेस्ट फंड अवेलेबल है, जिसकी रिटर्न पिछले अगर हम एक साल की देख रहे हैं यहाँ पर तो 33% की रिटर्न आ रही है। और इसने कंसिस्टेंटली फॉर लास्ट 8 ईयर्स कंसिस्टेंटली 18% से ऊपर की रिटर्न दी है, 18% से। और ये जो फंड ऐसा है, इतना डाइवर्सिफाइड फंड है। ओके, सो यू कैन मूव द स्लाइड्स रणवीर। या मैं आपको इससे पहले इसने आ गया। अब इसमें अब यहां पर अगर बात करें कि भी इक्विटी में तो रिस्क होता है कि नहीं होता, लेकिन एज पर अवर रेगुलेशंस, रेगुलेटरी अथॉरिटी IRDA, अवर फंड मैनेजर्स हैव टू इन्वेस्ट इन इक्विटी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द IRDA। वी कैन नॉट पुट द कस्टमर्स मनी इन मोस्ट रिस्कियर स्टॉक्स। उनकी गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। हमें स्टॉक्स ऐसे सिलेक्ट करने पड़ते हैं जिन्होंने 3 सालों में से कम 2 सालों में डिविडेंड दिया हो, तो हमें गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। तो आपका पैसा एकदम सेफ हैंड्स में है। नेक्स्ट स्लाइड।